कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और हर बुरे काम का अंजाम एक नए दिन भुगतना पड़ेगा। यही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के दो सीनियर लीडरों के साथ। जी हां, बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के दो सीनियर लीडरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आइंदा हफ्ते सीबीआई की खुसूसी अदालत में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी 24 जुलाई को पेश होंगे। वहीं पूर्व सेंटर मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी 23 जुलाई को बाबरी मस्जिद ढाए जाने की मामले की समाप्त करने वाली सीबीआई की खुसूसी अदालत के सामने पेश होंगे। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के दो सीनियर लीडरों के बयान आने वाले हफ्ते में सीबीआई की खुसूसी अदालत में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को मिस्टर एल के आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी सीबीआई अदालत में अपना बयान दर्ज कराएंगे, जबकि 23 जुलाई को पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। दोनों लीडरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से खुसूसी अदालत में पेश होंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे।